नमस्कार प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है हम संगत टीवी के यूके और यूरोप के दर्शकों का भी स्वागत करते हैं लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर रहे हैं उम्मीदवारों के नामों के ऐलान के साथ ही नाराजगी और मार और फिर मान मुनवल के दौर भी चल रहे हैं ये नजारा सिर्फ पुराने दलों में ही नहीं नए राजनीतिक दलों में भी दिखाई दे रहा है आखिर उम्मीदवारों के चुनाव का मापदंड क्या मानते हैं राजनीतिक दल फिल्म अभिनेत्री गुल पनांग आम आदमी पार्टी में शामिल हो गई है पार्टी का सदस्य बनने के साथ ही हाथों हाथ उन्हें चंडीगढ़ से आपका लोकसभा उम्मीदवार भी बना दिया गया लेकिन एक तरफ जब गुलनाग को टिकट देने का ऐलान हो रहा था तो दूसरी तरफ आपके टिकट के चंडीगढ़ से अन्य दावेदार इसका विरोध करते नजर आए हम ये नहीं कहते कि हमें टिकट देते जो तीस लोग और भी है इसके अलावा उनमें से किसी को देते वो ज्यादा अच्छा था वो किसी आम आदमी को टिकट नहीं दी है उन्होंने उन आदमियों को टिकट दी है जो खास है लेकिन आप नेता मनीष सिसोदिया ने आम आदमी की परिभाषा पर उठे सवाल पर सफाई दी कि साहब छोले बेचने वाला भी आम आदमी है और उसके छोले बेचने वाले के पास जो आदमी छोले खरीदने जा रहा है वो चाहे कार से उतर के जा रहा है या साइकिल से उतर के जा रहा है अगर वो अपनी मेहनत की कमाई से छोले खरीदने जा रहा है तो वो भी आम आदमी है तो आम आदमी आम आदमी है आप खास आदमी और आम आदमी और गरीब आदमी और आम आदमी में फर्क भूल गए शायद इज द क्वेश्चन इज नॉट चंडीगढ़ से पहले दिवंगत जसपाल भट्टी की पत्नी सविता भट्टी को टिकट दिया गया था लेकिन कार्यकर्ताओं से सहयोग न मिलने की बात कहकर सविता भट्टी ने टिकट लौटा दिया था अब गुल पनांग झाड़ू लेकर मैदान में उतरी हैं लेकिन इसका विरोध करते हुए आम आदमी पार्टी के कई सदस्यों ने पार्टी से किनारा कर लिया है आखिर चंडीगढ़ में गुलपनांग का विरोध क्यों इसी पर चर्चा करेंगे हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पवन कुमार शर्मा चंडीगढ़ से ये के टिकट के दावेदार थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजीव पांडे भी हैं और साथ ही आम आदमी चंडीगढ़ के प्रवक्ता प्रोफेसर मनजीत सिंह भी हमारे साथ हैं पवन कुमार जी आखिर क्यों आप विरोध करें गुल देखिए जी हमारा विरोध कोई नहीं था हमारा कहना ये था जो इन्होंने शॉर्ट नाम किए थे चंडीगढ़ से इकतीस लोगों में अब इकतीस को छोड़ दिए मैं तो अब उससे एक निकाल देता हूँ तीस रह जाते हैं क्या छोड़ दिया आपने आम आदमी पार्टी बिल्कुल ठीक ये छोड़ दिए आप ये भी कह रहे थे कि आपके साथ कुछ और भी लोग शामिल हुए थे उन्होंने भी छोड़ दी है। जी ये बात सही है बात ये है क्या उन तीस लोगों में से कोई भी गुल पराजी को जो टिकट दी गई उनके बराबर का कोई नहीं दिखा कि क्या वो लोग जो वर्क कर रहे थे ग्राउंड जीरो से कर रहे थे उसमें मंजीत जी भी साथ थे इनको भी लगता था कि एक्चुअल में वो काम कर रहे थे उनको देने की बजाय किसी और को दे दी जिन्होंने आज ही या एक दो दिन पहले पार्टी ज्वाइन और आपने उनको टिकट दे दी ये जायज नहीं है आप कब शामिल हुए थे आम आम आदमी आदमी पार्टी पार्टी नवंबर नवंबर लास्ट आप से आम पार्टी के साथ जी, जुड़े हुए हैं जी. और आपका ये कहना इससे पहले सविता भट्टी को जब टिकट दी गई थी तब आप खुश थे नहीं बिल्कुल नहीं आप थे। आप तब भी संतुष्ट नहीं थे नहीं थे हम हमारे हमारी पैंतीस सेक्टर में मेट्रो होटल में मीटिंग हुई थी इकतीस लोगों की हमने वहां पर शपथ खाई थी कत्तिस, कत्तिस लोगों ने इकट्ठे होके हमारे इकतीस में से जिसको भी टिकट मिलेगी मैं अपनी नहीं कहता ए बी सी डी कोई भी प्रोफेसर मंजीत भी थे उसमें ये ये बता सकते हैं बेटर बिल्कुल नहीं थे आपको याद हो नहीं जी नहीं। मैं वो तभी कह रहा हूँ ना ये बोले कि ज्यादा बेटर रहेगा रहे तो हम लोगों ने एक दूसरे के हाथ के ऊपर शपथ रख के खाई थी कि कोई इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा जो पार्टी डिसाइड करेगी वो हमें मंजूर होगा मगर वैसा नहीं हुआ आपको लगता है पैराशूट प्रत्याशी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्रोफेसर मंजीत ये जो सवाल उठ रहे हैं कि बाहर से प्रत्याशी लाकर पहले सविता भट्टी का भी विरोध हुआ था और अब गुल बना का भी विरोध हो रहा है मुझे तो ये नहीं समझ में आई कि हम पार्टी में जो दूसरिया पार्टियां करती हैं कि जो जहाँ कोई डिप्पो खोल गया है लूटने का कि हमें ये मिलेगा ये मिलेगा ये ये पार्टी है कहाँ अभी इतनी छोटी बच्ची पार्टी है इसको तो बनाने का वक्त है अब इसको बनाने के लिए कोई ऐसा कैंडिडेट चाहिए होता है कि जो अपना पूरे के पूरे हर मतलब उसका इतना स्टेचर हो कि लोगों को मोबिलाइज़ कर पाए और सब सब एक्सेप्टेबल हो अक्रॉस क्लास अक्रॉस कास्ट अक्रॉस लिंग्विस्टिक ग्रुप कई कुछ होता है जी तो इसलिए मुझे लगता है कि ये चीज़ पर पहले तो आना कि हमें इस पार्टी की जो सोच है बड़ी अच्छी है जहाँ करप्शन के अगेंस्ट हैं इसके लीडर बहुत अच्छे हैं जी इसकी आइडियालॉजी बहुत अच्छी है फिर टिकट के लिए अप्लाई करना अगर टिकट नहीं मिली तो एकदम कूद के कह देना जो पार्टी गलत है तो इसमें कहीं अपना लालच छिपा हुआ हमें हमारे लोगों को नजर आता है ये इसको अलग रखना पड़ेगा यहाँ लोगों को सेक्रीफाइस करने के लिए आना पड़ेगा यहाँ कुछ देने के लिए आना पड़ेगा और आम आदमी को सशक्त करना पड़ेगा वो हम सिर्फ कैंडिडेट बन और पार्लियामेंट में जाकर के नहीं कर सकते लोगों में डट के काम करके तो हम उनको सशक्त कर कुमार क्या आप... आपको... जी बोलिए रहे थे ऐसे लोगों इन्होंने टिकट दी किसी को भी हमें कोई वो प्रॉब्लम नहीं हमें गोल पराग जी से कोई प्रॉब्लम नहीं है ना सविता भट्टी जी से थी जो इन्होंने मापदंड बनाए थे उन मापदंडों ये क्लियर नहीं है सवाल ये पैदा होता है जैसे कि जैसे कि इन्होंने टिकट अप्लाई के लिए एक डेट रखी थी ठीक उसके बाद आप किसी को आपके बीच में कोई एंटर कर रहा है क्यों कर रहा है फिर बाद में क्यों आया पहले क्यों नहीं आया देखो हमारा एक प्रोसेस है पंजाब में हम यहाँ तो एक ही टिकट है ना पंजाब में मैं स्क्रीनिंग प्रोसेस में हूँ हमने 250 एप्लीकेशन स्क्रीनिंग की है जिसमें से दो उस स्क्रीनिंग में जो अच्छे मिल गए हमने रखे हैं दो हम उस स्क्रीनिंग से बाहर रखे हैं अब भगवान भगवान जो भगवंत मान है जो

जो पुराने राजनीतिक दल हैं वो तो देखते हैं कि कौन उम्मीदवार जीतेगा उस पर दाम लगाया जाता है अब जो आम आदमी पार्टी जब दिल्ली में आई थी तब ये कहा था कि लोगों से पूछ कर टिकट देगी अब लेकिन जहाँ जहाँ टिकट दे रही है उसका विरोध भी हो रहा है ये लगता है कि अब सभी राजनीतिक दल ये देखते हैं कि जीतेगा कौन उसी पर दाम लगाना चाहिए देखिए राजनीति में इसको एक आप कह सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक वारफेयर होता है इस मनोवैज्ञानिक वारफेयर जो होता है ये पारंपरिक मनोवैज्ञानिक वारफेयर है राजनीति का आप ये देखिए उन्नीस में जब भारतीय जनता पार्टी जब उभार पे थी उन्नीस सौ छियानवे अठानवे उन्नीस सौ निन्यानवे में तो भारतीय जनता पार्टी ने भी कुछ इस तरह के हथकंडे अपनाए थे उन्नीस सौ निन्यानवे में तो मुझे याद है कि प्रमोद महाजन जी कई फिल्म इंडस्ट्री के महिलाओं को लाला के युक्तामुखी कभी कौन हुँ, कभी हुँ. कौन सबको भाजपा ज्वाइन करा रहे थे हेमा मालिनी आई फिर उसके बाद ये तुलसी जो है स्मृति ईरानी आई अभी भी नितिन गडकरी की टीम में भी आपको देखिए कई इस तरह के फेसेस आए जो मिस इंडिया हो या फिल्म इंडस्ट्री से हो ये बेसिकली एक राजनीतिक दलों को बहुत भारी कलतफहमी होती है कि हम इस तरह के फेस खड़ा करेंगे तो ये जनता में का एक बहुत बड़ा वोट कैचिंग होते हैं और ये लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि भारतीय राजनीति में अगर कोई एक्टिविस्ट फिल्म इंडस्ट्री या इंपॉर्टेंट फेस दो अगर मिस इंडिया को इस तरह का अगर कोई अगर आप फेस करें तो दो चार ही फेस बहुत कामयाब हुए हैं अब मैं एक सवाल ये बड़ा एक अहम बात है कि नवंबर से पहले जब आम आदमी पार्टी बना था तो इतने कौन से बड़े बड़े फेस इनके साथ दाव लगाने के लिए तैयार थे एक तो इम्पोर्टेंट बात ये है दूसरे सबसे बड़ी बात है कि जब आपका दिल्ली का चुनाव परिणाम आया तो कितने इंपॉर्टेंट फेस आपके जीते हाँ। जो अट्ठाईस विधायक आए आप उनके उनके सपनों को देख लीजिए बहुत अनजान से, बहुत से अँजान नहीं एक भी कोई बड़ा फेस नहीं था कोई इनके टिकट हार गई जो जिन्हें एक तरह से लोग जानते थे या कुछ इनके इनके कोई टिकट पे दाव लगाने के लिए तैयार नहीं था जब दिल्ली में जब चुनाव परिणाम आए तो एक मधुमक्खियों पूरी टीम होती है जो कहीं भाजपा में ट्राई करती होती है कांग्रेस में ट्राई करती होती है कहीं राजद में तैयार राजनीतिक दल है ये सत्ता का सुख हमें दिलवा सकते हैं हाँ, तो वो तो अच्छा, के सुख के लिए टिकट मांग नहीं रहे आप देखिए आम आदमी पार्टी में टिकट बंटवारा में मुझे अभी जानता नहीं कि इन्होंने क्यों विरोध किया कल दो विरोध हुआ है उन्होंने रायबरेली में टिकट लेने के लिए कहा इंटरेस्ट नहीं है और ना हमसे पूछा गया हमने दो महीना पहले कन्वे किया था अब कुमार विश्वास भी नाराज हो रहे देखिए बात यह होता है ना कि चंडीगढ़ लोकसभा का डेमोग्राफी बड़ा ईजी है मणिमाजरा से धनास पीजीआई से सैतालीस दस मिनट के अंदर आप कंट्यूंसी कवर कर लो अब जब बड़ा यही गुल पनाक को कहो कि आप बहुत बड़े सोशल एक्टिविस्ट हो आज और जरा बस्तर से चुनाव लड़ लो आज और जरा बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट से चुनाव लड़ लो जब सुबह छह बजे निकलना पड़ता है और कमर टूटने लगती है गाड़ी पे और जब दो एक एक गांव में जाके पैदल चलना पड़ता है तो देखिए ये जो अच्छा दूसरा एक एक जो राजनीतिक दलों की जो सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि अब अरविंद केजरीवाल उस सारे हथकंडे अपना रहे हैं राजनीतिक दल में जो भारतीय जनता पार्टी अभी अपना रही है मैं, जो मैं वही सवाल जो जो रही है। जे जे जे। पहले से राजनीतिक मौजूदा राजनीतिक दल है मैं कह रहा हूँ उसके फोटो स्टेट कॉपियां बन गए हैं सारा फोटो स्टेट कॉपी टोटल विस्तार से बता दें ये, ये, एक मैं बात एक, बोल रहा हूँ फोटो स्टेट कॉपी ये है क्या आप ये बताइए कि एक तरफ तो आप ये ढोंग क्यों कर रहे हो आप कांग्रेस की तरफ नॉमिनेशन करो आप ये क्यों कर रहे हो कि आप 40 कैंडिडेट आपके आ गए आप ऑनलाइन मेंबरशिप कर रहे हो कर रहे हो 50 लाख आप बताओ बिहार झारखंड और उत्तर प्रदेश में तो बिजली ही नहीं है ऑनलाइन मेंबरशिप कौन लेगा बिल्कुल देखिए इनका क्राइसिस सबसे बड़ा क्या है इनके पास ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइजर नहीं है इनके पास एक फ्लोटिंग कैडर है फ्लोटिंग कैडर मतलब समझ रहे हैं ना कि जो चुनावी माहौल में, में किसी राजनीतिक दल से नाराज होकर के कोई कैडर होता है कोई नया एक नया ऑप्शन आता है इस तरह कैडर है अगर आप कहें कि इनके पास बहुत डेडिकेटेड कैडर है वो कैडर आप अभी जो आपको जो कुछ कैडर दिल्ली के बाद नजर आने लगे बहुत बड़े बड़े कैडर नजर आए वो कैडर देखें अगर इस लोकसभा चुनाव में मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर चुनाव परिणाम इनके अनुकूल नहीं रहा ये कैडर कहाँ विलुप्त होंगे पता ही नहीं चलेगा पवन कुमार जी आप लगता है कि अभी भी आप अपने रुख पर कायम है और यह कुछ दिनों बाद जैसे प्रोफेसर मंजीत कह रहे हैं कि हमने ऐसा नहीं है हमने कुछ विशेषताएं देखकर अपना कैंडिडेट उतारा है ताकि लोग साथ जुड़ सके और जो आ रहे हैं आम आदमी पार्टी में वो एक आंदोलन के नजरिए से आए सत्ता के लालच के नजरिए से नहीं देखिए सत्ता का लालच हमें भी नहीं था ये आज भी हम कहते हैं हम आज भी कहते हैं ये बात हमें टिकट ना दें बिल्कुल ना दें हम ना मांगते किसे दें अगर उन्होंने हैं तो आप विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल जी अगर उनको पता था कि वो एक आंदोलनकारी बनने जा रहे हैं महीने तीन महीने से यहाँ काम हो रहा था चंडीगढ़ के अंदर वो कभी किसी झाड़ू यात्रा में चलते हम हमने गलियों गलियों में जाकर जहाँ पर कॉलोनीज रहती हैं जहाँ पर लोग जा नहीं सकते दस बारी सोचते हैं जाते हैं नाकों पे रुमाल रखते हैं हम वहाँ पर गए हैं रात रात ग्यारह ग्यारह बारह बारह एक एक बजे तक गए हैं जुड़ते रहे हम ये अपनी आम आदमी पार्टी मेंबर बना रही थी मैं आपको बताता हूँ मैं आपको अपना बताता हूँ जो मैंने वर्क किया था वर्क ये किया था मैंने कोई भी सिग्नेचर करके साइन कोई नहीं भेजे जो मेरे कैंडिडेट जो सपोर्टर थे वो कर रहे थे सारा काम वो कहते जी आप साइन करिए मैं कहा मुझे साइन नहीं दिखाने मुझे किसी को कुछ नहीं दिखाना मैंने तो एक्चुअल आम आदमी पार्टी को एक आम आदमी से जोड़ना है लोगों के घरों में जाके समझाना जो लोग बीजेपी से जुड़े हुए थे कांग्रेस से जुड़े थे आज वो हमारे हक में कहने पे वो वो आम आदमी पार्टी आज आ हमें फोन करके कहते हैं जी ये क्या हुआ हुँ. अगर आपको नहीं टिकट मिलती थी अच्छी बात में। में। आपको नहीं लगता की एक आपके लिए आम आदमी पार्टी के लिए भी तो खतरा है कि तमाम लोग साथ छोड़ते जा रहे सिर्फ यही की बात नहीं है दिल्ली में भी यही होगा ये लगता है किसी जगह 200-400 जो एक्टिविस्ट वॉलेंटियर हैं वो सोचते हैं कि हमने सब का सब जो है सामान थाम लिया ऐसे नहीं होना चाहिए बहुत दुनिया जो अभी आम आदमी पार्टी से नहीं जुड़ी है 90% परसेंट नाइन्टी परसेंट वो भी लोग जो हैं उनमें से बहुत अच्छे लोग हैं उन्होंने नहीं अप्लाई किया हमें जाके रिक्वेस्ट करके भी उनको कहना पड़ेगा कि ये देखो जी बहुत बड़ा काम है आप इस मूवमेंट से जुड़िए वो आएंगे और हमारे जो पहले जुड़े हुए हैं जो दो महीने से चार महीने से जुड़े हैं जो जब वैसे तीन साल से भी कोई जुड़े वो हो, हो सकता है वो उनसे भी बहुत बेहतर हों हमने पार्टी को बढ़ाना है ना कि सुख सुक उनको दो लोगों तक सु, सु, सुकेड़ के रख देना है तो मेरा ये कहना है कि ये जो हमारी सोच बन गई है कि अगर तो हमें मिलता है तो पार्टी बहुत अच्छी है अगर हमें पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो इस तो जी हमारे से धोखा हो गया

मतलब पार्टी में था भी नहीं वो पार्टी में थोड़े दिन हाँ, आए होंगे इंटरव्यू भी लिए हाँ, बाद भी चंडीगढ़ से आपने सेलेक्ट नहीं किया उन्हें दे रहा हूँ ना कि पंजाब में हमने जो पटियाले वाला कैंडिडेट है वो सिलेक्शन से दिया लिस्ट से दिया हमने फरीदकोट का जो है वो सिलेक्शन से दिया अच्छे उम्मीदवार का इनकी अपनी परिभाषा को चलिए देखिए ऐसे अगर अच्छा उम्मीदवार है जी बोलिए जी अगर वो अच्छा उम्मीदवार है ये समय बताएगा कि अच्छा कौन था लेकिन आप और, आप जिस विचारधारा के चलते जुड़े थे अब आप मेरी विचारधारा वही रहेगी इसमें कोई शक नहीं है आम आदमी पार्टी के साथ आप कुछ उद्देश्य के, सा, किस, के साथ जुड़े थे ना? जी बिल्कुल जुड़े थे वो जुड़े रहेंगे सवाल ये नहीं आप है आप कह रहे हैं कि छोड़ चुके हैं पार्टी पार्टी छोड़ चुके मैं इंडिपेंडेंट खड़ा होगा जुड़ेंगे जुड़ेंगे देखिए आपने जो मुद्दे जो बातें अपने लोगों से बोली थी या की थी उनपे खरे नहीं उतरे सवाल ये जब आपकी स्टार्टिंग ओपनिंग ही गलत होगी तो एंड कितना बढ़िया होगा उसका

नहीं देखिए मुकाबला तो अभी जब तक भाजपा के कैंडिडेट डिक्लेयर हाँ, नहीं होगा तो पवन हाँ, बंसल के मुकाबले की बात नहीं की आप तो ऐसे जैसे कह रहे हैं कि भाजपा मैदान नहीं, नहीं, से आउट ही है भाजपा का भी उम्मीदवार घोषित नहीं हुआ भाजपा मैदान से इसलिए नहीं आउट तो हो सकती कि 1990 के बाद मुख्य प्रतिनिधि दल एक भाजपा यहाँ पे रही है अभी भाजपा तो उम्मीदवार का उम्मीदवार जब, का का जब का तक उम्मीदवार का की स्थिति क्लियर नहीं होगी तब तक आप कुछ नहीं कर सकते कि चुनावी परिणाम क्या होगा लेकिन ठीक है ग्लैमर तो है ग्लैमर से तो कोई इंकार नहीं कर सकता वोट खींच पाएगा और वोट बैंक चंडीगढ़ में चंडीगढ़ की बात करें ग्लैमर वोट ग्लैमर भी वो ग्लैमर भी है एक मिडिल क्लास है यहाँ पे मिडिल क्लास क्लासिस्ट भी है ये सब तमाम चीजें हैं हालांकि अरविंद केजरीवाल जिस तरह की अब हरकतें करते फिर रहे हैं हर जगह अगर यही स्थिति रही तो एक बहुत बड़ा वर्ग टूटेगा भी तो ये यहाँ ये, ये सारी चीज़ों को उनको सुधारना पड़ेगा और दूसरी जो सबसे बड़ी बात यह है ना कि सवाल बाहर से नहीं उठ रहे हैं सवाल तो भाजपा वाले चुप हैं जो भी सवाल नरेंद्र मोदी पर उठाया जा रहा है उस पर नरेंद्र मोदी का कोई जवाब नहीं आता सवाल तो अंदर से ही उठ रहा है अरविंद केजरीवाल पे और उनके जो खास सहयोगी है वो उठा रहे हैं जो उनके साथ काम करते रहे हैं पहले किरण बेदी ने सवाल उठाया था अब साजिया इलमी उठा रही हैं कुमार विश्वास उठा रहे हैं ये जो बड़े उनके जो साथ जो सहयोगी लोग हैं ये तो बड़ी आम सी बात है कि कोई भी राजनीतिक दल बनेगा तो मैं, मैं बने बता आप बता आप आप की जब आपकी पार्टी के जुमा जुमा कुछ दिन ही हुए हैं और अगर इस तरह के अंडस्ट आ जाए तो बहुत अच्छे संकेत नहीं होते हैं इसका मतलब है हाँ। कि आपका जो प्रवृत्ति है और आपका जो राजनीतिक दल चलाने का जो एक तरीका तौर तरीका है वो उन क्षेत्रीय दलों की तरह है जैसे ममता बनर्जी चला रही है जैसे लालू प्रसाद यादव चला रहे हैं नीतीश कुमार मिल्कुर, चला, मिल्कुर, है, है। चला रहे हैं मुलायम सिंह यादव चला रहे हैं जो भी थोड़ा सा भी नहीं, हमने फैसला लिया हमने तो फैसला देखिए बात है राष्ट्रीय पार्टी बनने का जो सपना देख रही है पार्टी, पार्टी। राष्ट्रीय पार्टी तो आप ऐसे कर रहे हैं कि स्विट्जरलैंड है कि पचास लाख की आबादी है और दो मिनट में कोई राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगा एक अरब आब की आबादी में राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस तब बनी जब पचास साल रगड़ा था पचास से लेकर तक रगड़ा खाया और उस समय इन्होंने राष्ट्रीय पार्टी तब बनी जब ना कंप्यूटर था ना इंटरनेट था ना बिजली थी न वो था और पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी पूरे देश में खाते करते मूवमेंट सोशल मीडिया सोशल मीडिया है जब जंगल और सड़क में जाएंगे ना अरविंद केजरीवाल अभी गुजरात के

अब उड़ीसा में किससे बात कर रहे है? कोई आदमी नहीं मिला बड़ा तो नक्सली है सवे साची चारे है, जिसको पुलिस ढूंढ रही है हुँ. वो सीपीआई माओ का एक बहुत बड़ा लीडर था जो माओ पुलिस ब्यूरो से निकाल दिया गया है तो उससे जब इनको कोई में नहीं मिला, बात करने लगे तु याद हो मेरी पार्टी में पंडा की बात कर रहा हूँ पंडा की बात कर रहा हूँ लेकिन बात सुनो हमारा क्राइटेरिया क्या है आदमी सिलेक्ट करना उसका पिछोक बुरा ना हो करप्ट ना हो

पीएसी जो है पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी उसने पहले ही लिख करके लगाया हुआ था कि हमारा ये प्रोसेस होगा अगर इसमें से हमें मिलता है जो तो हम उसको रखेंगे अगर नहीं मिलता है तो हम बाहर से बिकेंगे तो जीतने वाले उम्मीदवार पर दाम लगाया बिल्कुल ना नॉट ओनली तो जीतने वाला उसके जो बाकी भी जो जरूरत है पार्टी को लॉन्ग रन में बिल्ड अप करने की कि वो पार्टी के लिए लॉयल हो पार्टी में रहे ये सारा वो भी देखा जाएगा पर इसमें ये नहीं कहता मैं हम हम बिल्कुल नहीं ये कहते कि जो पार्टी जब जो सिलेक्ट करती है कि नई नई पार्टी है नए नए लोग हैं उसमें कोई गलती नहीं होगी कभी कोई गलती भी होगी लेकिन लेकिन हमारा सिर्फ जीतने पर ही सारा दाव नहीं लगा हुआ है बाकी चीजें भी हम देखते हैं कि पार्टी की छवि खराब ना कल हम दिल्ली गए थे बारह बजे और आज सुबह तीन बजे आए दिल्ली से आप ये देखिए वहाँ दिल्ली में जब हम गए इनके ऑफिस में सब जो है सब वहाँ पर केजरीवाल बने हुए हैं वहाँ पर जो नेता बैठते हैं उनसे मिलना मिलना चाहें आप तो आप मिल नहीं सकते उनसे आप फ़ोन करिए सबके नंबर देते हैं आप... क्यों है वहाँ?

देखिए कि हमें भी 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 टिकट वो तो पूरा हुआ नहीं नहीं बार बड़ी बात सुनिए आप एक बार बड़ी बात खबर आ गई आप कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आज बोल दे कि हमने कोई दस हजार रुपया फीस नहीं लेनी है आप ऑनलाइन अप्लाई करो चंडीगढ़ चंडीगढ़ से दस हजार अपलिकेंट आ जाएंगे अच्छा। आप क्या बात कर रहे हो सिर्फ सिर्फ ये नहीं वो भी सपना आ, वो, वो भी चीज बोलते है। है। हैं। आप खोले खोले तो नहीं नहीं तो उसको। ये नहीं नहीं उसको। ये उसको। ये पता चला भी है ऐसे कह रहे हमने खोले तो हमने आवेदन तो मांगे कम से कम इतनी इतना सपना दिखाना और ठीक था सपना क्या आपको एक बात बोलता हूँ देखिए भारतीय जनता पार्टी उन्नीस सौ निन्यानवे में जब सत्ता में नहीं आई थी तो उसके नेता चना और गुड़ खा के पूरे देश को एक सपना दिखाते थे कि कितना सिंपल है हम कितना प्रचार करते हैं कितना समाज सेवा करते हैं और जब एक बार दिल्ली में सत्ता पे बैठे तो वो फाइव स्टार वो बड़ी गाड़ियां आज अरविंद केजरीवाल की सीध देख लीजिए जब उनका मकान का नोटिस गया है तो उन्होंने एक बड़ा अजीब तर्क दिया है कि मेरी बेटी का पेपर है तीन महीना पहले आपके परिवार गाजियाबाद में रहता था तो आपकी बेटी का पेपर क्या वहां से नहीं थी मतलब मतलब एक मकान के लिए इतना बड़ा क्या झूठ बोल रहे हैं जो सिद्धांतों की बात अगर आप करते तो अगर उस कहीं दूसरे सांसदों कभी थी पूरी नहीं है दिखा के आपने तोड़ देखे, 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 मैं आपको मेरी पूरी बात नहीं हुई थी खत्म हो रहा है प्रोफेसर के तो केजरीवाल सपने को हम सही अपने कंट्रोल में रखेंगे तो टूटेगा नहीं हम सपने को लेके हाथ में लेके घूमेंगे तो कहीं ना कहीं तो शुक्रिया वक्त खत्म हो गया शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए पूरी उम्मीद है इस बार के चुनाव दिलचस्प होंगे लोग भी जागरूक है और विकल्प भी मौजूद है जनता का फैसला तो सोलह मई को सामने आ ही जाएगा नमस्कार खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए हम मिलेंगे फेसबुक पर हम दिखेंगे यूट्यूब पर हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर खबरों के साथ बने रहिए रात दिन